आओ मिलकर चलें, अपने आसपास बेटियों को सम्मान की भाव से देखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार ने लगातार चलाया हुआ है। सभी बेटियों को अधिक सम्मान दें, गलत मानसिकता मन में ना पैदा करें, नहीं तो होगी हवालात। जागो देशवासियों जागो। चाहे आप सरकार की नौकरी करें, चाहे आप अपनी अपने परिवार के लिए नौकरी करें, कहने का मतलब अपना व्यवसाय करें या कोई दुकान खोलें, चाहे आप कोई प्राइवेट नौकरी करें, चाहे आप किसी के व्यक्तिगत फंक्शन में जाएं या किसी के पार्टी में जाएं, आप सब लोगों को एक बहुत ही बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ है कि हमको आप सबको जहाँ भी जाना है जहाँ भी रहना है एक अच्छा दृश्य एक अच्छी चीज़ प्रदर्शित करने की बात करनी है। हमें वहाँ जाकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो वो भी परेशान हो और आप भी परेशान हो, और बाद में जो है जब आपको होश आए तो आपको लगे कि ये क्या हो गया। कहने का मतलब है कि आजकल शराब पीने का जो सिलसिला चल रहा है बड़ा ही खतरनाक है। ऐसा नशा जो अपने में ही आदमी को ऐसी स्थिति में ला देता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि वो ज़मीन में है या आसमान में है या पानी में है, चल रहा है कि बैठा है, जो मन में आता है वो कहने लगता है और सारी चीज़ें एक प्रतिष्ठा पर आँच आने लगती है। सरकारी नौकरी में जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह के नशा करके शराब पी के नौकरी करना अति कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आप हकदार हैं। यहाँ तक कि कोर्ट भी कहती है कि अगर आप नशा करते हुए नौकरी में मिलते हैं तो आप पर बहुत ही बड़ा दंड लगने की बात होनी चाहिए। आप मशीन चला रहे हैं, शराब पिए हुए हैं, आपका हाथ कट गया, आपका जो है अंगोछा फंस के आपका गर्दन की तरफ चला गया पार्ट मशीन में, तो आपने अपनी जान जोखिम में डाली ही। वहाँ के जो प्रबंधक है या प्रबंध तंत्र है उनको भी डाला, आपके परिवार को भी डाला, समाज को भी डाला, सबको एक आफत में डाल दिया एक छोटे से नशे के लिए, कुछ समय के नशे के लिए लंबे समय का एक ऐसा दृश्य पैदा हो गया जिसकी भरपाई करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ख़ास तौर से आप सब लोगों से, ख़ास तौर से नवयुवकों को अपना भविष्य बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को सुंदर बढ़ाना है, देश में चार चांद लगाने हैं उसकी प्रकृति के लिए, उसकी सुंदरता में आप सब लोगों की सुंदरता निहित है, मिली हुई है, और ये तभी संभव है जब आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी के समय लगभग ज़रूरी कि आप लोग जब अपनी जिम्मेदारी पर हों, चाहे किसी भी समय हों, किसी भी स्थान पर हों, किसी भी क्षेत्र में हों, उस समय कम से कम ये शराब के नशे से दूर रहें, अपने को बचाएं, दूसरे को बचाएं, और साथ ही साथ उस माहौल को बचाएं जो माहौल कहीं बनकर कहीं ऐसा रूप ना ले ले जो एक बड़ी ही आफत के रूप में निकल के उभर के आए। आप सब लोगों ने सुना ही होगा, देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं, रोड एक्सीडेंट, कभी कभी आदमी जो है और हमेशा कहता है कि पता नहीं कैसे हो गया, और जब पता लगाया जाता है तो नशे के रूप में पाया जाता है, और वो नशा कितने परिवारों को तबाह कर देता है, परेशान कर देता है। हम सब लोगों को एक समझदारी से कार्य लेना है,
और समझदारी का कार्य तभी ले होगा जब हम सब लोग दृढ़ निश्चय हो जाएं कि जब तक हम अपने घर के बाहर निकले हैं हम कोई नशा नहीं करेंगे और ख़ास तौर से शराब का नशा नहीं करेंगे। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के दोस्त यार, आसपास के लोग, उनके सामने अपनी एक ऐसी प्रतिष्ठा बना के रखनी है कि आप एक सभ्य समाज के लोग हैं। घर के अंदर बैठकर आप क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, और देखा जाए तो मतलब भी है कि अगर हम घर में संस्कृतित होकर रहेंगे, घर के वातावरण को अच्छा बना के रहेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, परिवार के लोग भी संतुष्ट रहेंगे। कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सब चीज़ों को छोड़ने की बात करें, शराब से दूर रहें, अन्य नशों से दूर रहें, उसका जो पैसा बचे उससे अपनी खुशहाली, अपने परिवार की खुशहाली, बच्चों की खुशहाली लाने की कोशिश करें। एक मिनट सोचें कि अगर हमारा इतना इतना पैसा पर डे के नशे में, रोज़ के नशे में अगर बच रहा है तो एक हफ्ते में कितना बचेगा, 15 दिन में कितना बचेगा, 30 दिन में कितना बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।